औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे नाइन्थ फिजिक्स चैप्टर 5 ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? तो ग्रेविटेशनल फील्ड को पढ़ने से पहले आप लोगों ने पढ़ा था लास्ट टाइम टॉपिक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ये आप लोगों के पास क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। और आप लोगों को पता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला आप लोगों ने फाइंड किया था, एफ इज इक्वल टू जी एम एम स्मॉल एम कैपिटल एम मी आर स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला आप लोगों के पास किसके लिए आ से है? मास ऑफ अर्थ के लिए आ से। बेसिकली किसके लिए आ से है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल किसके लिए आ से है? अर्थ के लिए आ से। आप लोगों के पास एक अर्थ है, आप लोगों के पास ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर आप लोगों के पास क्या पड़ा हुआ है? मास एम पड़ा हुआ है। तो आप लोगों के पास अर्थ के सेंटर से लेके इस मास का डिस्टेंस क्या होगा? आर स्क्वायर होगा, ठीक है। बेसिकली क्या होगा? आर होगा आप लोगों के पास। और आप लोगों के पास एम ही क्या बता रहा है? मास ऑफ अर्थ। और स्मॉल एम क्या बता रहा है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। स्मॉल एम आप लोगों को क्या बता रहा है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जब आप लोगों के पास अर्थ पे एक क्या पड़ा हुआ? ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ जिसका मास क्या है? एम है। उस पर जो फोर्स लग रही है इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस आर, और उस पर जो फोर्स लग रही है आप लोगों के पास क्या है? एफ, जिसे आप लोग कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का मैंने क्यों आप लोगों को बताया? क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से ही ग्रेविटेशनल फील्ड आती है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? आपको एक चीज मैं बता दूं कि आप लोगों के पास कोई भी बॉडी, आप लोगों के पास कोई भी बॉडी है अर्थ के ऊपर पड़ी है, तो किसी लिमिट तक उस पर आप लोगों के पास स्ट्रोंगर ग्रेविटेशनल फील्ड लगेगी या स्ट्रोंगर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। लेकिन जब वो उस स्पेस से या उस रीजन से चीज़ बाहर जाना शुरू हो जाएगी तो आप लोगों के पास ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू इतनी कम होती जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास ग्रेविटेशनल फील्ड, मैंने क्या लिखा? द स्पेस वेयर अ मास अट्रैक्ट अदर मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखें यहाँ पे दो मास है आप लोगों के पास। अब ये दोनों मास एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और इनके दरमियान आप लोगों के पास, इनके जो आप लोगों के पास अराउंड जो स्पेस है उसे हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। कहते हैं द स्पेस वेयर अ मास अट्रैक्ट अदर मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। कि जब एक मास दूसरे मास को करे अट्रैक्ट करे और उनके इर्द गिर्द जो स्पेस होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। और याद रखिएगा, फिर से बता रहा हूँ कि ग्रेविटेशनल फील्ड आप लोगों के पास जैसे जैसे आप लोग अर्थ से दूर जाते जाते हो, जैसे जैसे आप लोग अर्थ से दूर जाते हो, फर्दर अवे अवे जाते रहते हो, तब आप लोगों के पास ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती जाती है? वीकर होती जाती है। ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन आप लोगों को समझ लगी होगी। उसके बाद आप लोगों के पास फील्ड फोर्स क्या होती है? अब अगर आप लोग गौर करें, ये मास और इस मास के दरमियान कोई ना कोई फोर्स लग रही है, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसे हम बेसिकली कहते हैं फील्ड फोर्स। कहते हैं द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट विद अर्थ और नॉट कॉल्ड फील्ड फोर्स। अब फील्ड फोर्स क्या होती है? कहता है ग्रेविटेशनल पुल होता है, क्या होता है? ग्रेविटेशनल पुल होता है किसका? अर्थ का, जो हर एक बॉडी पर लगता है। आपको पता है आप लोगों के पास जो भी बॉडी है वो अर्थ के सेंटर की तरफ क्या होती है? अट्रैक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशन। तो यही बात कर रहा है यहां पे, कहता है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ एक्टिंग ऑन अ बॉडी, कि ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है अर्थ का किसी भी बॉडी पे। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास ये मास एम पड़ा हुआ है, तो ये जो आप लोगों के पास अर्थ है ये क्या लगाएगी? इस पर ग्रेविटेशनल पुल लगाएगी कि ये मास मेरी तरफ क्या हो जाए? अट्रैक्ट हो जाए, मतलब कि मेरे सेंटर की तरफ आ जाए। आगे वो क्या कह रहा है? इज इन कॉन्टैक्ट विद अर्थ, वो आप लोगों के पास अर्थ के साथ कॉन्टैक्ट में भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, कॉल्ड फील्ड फोर्स। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि कॉन्टैक्ट में हो सकता है और कॉन्टैक्ट में नहीं भी हो सकता? इसका मतलब आप लोगों के पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो आप लोगों के पास क्या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है? क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोगों के पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है आप लोगों के पास? फोर्स विच एक्ट ऑन अ बॉडी विद आउट फिजिकली इन कॉन्टैक्ट विद इट। फॉर एग्जाम्पल मैस आप लोगों के पास एम ई क्या है? मैस ऑफ अर्थ। ये स्मॉल एम क्या है? जो ऑब्जेक्ट है, ये आप लोग कह लो कोई भी आप लोगों के पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट पे फिजिकल कोई फोर्स नहीं लग रही,
आप लोग ऊपर से कोई हाथ के साथ या किसी चीज के साथ फोर्स लगा रहे हैं कि जिसकी वजह से ये जो मैस एम है अर्थ के सेंटर की तरफ आ जाए। बेसिकली ये आप लोगों के पास ग्रेविटेशनल पुल की फोर्स लग रही है, वो ग्रेविटेशनल पुल कौन लगा रहा है? अर्थ। तो क्या पता चला कि आप लोग यहाँ पे कोई फिजिकली फोर्स नहीं लगा रहे, कौन सी फोर्स लग रही है? किसी भी ऑब्जेक्ट पे अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल की फोर्स लग रही है। तो यहाँ पे क्या पता चला कि फोर्स विच एक्ट ऑन अ बॉडी विदाउट, फोर्स लगती तो है किसी बॉडी पे विदाउट फिजिकली इन कॉन्टैक्ट, लेकिन फिजिकली उसके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं होती। क्यों? मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, ये स्मॉल एम मैस है, इस पर आप लोग कोई फोर्स नहीं लगा रहे कि फोर्स लगाओगे तब भी अर्थ के सेंटर की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। नहीं, ये आप लोगों के पास अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अर्थ के सेंटर की तरफ आ रहा है। मतलब कि फिजिकली आप लोग कोई फोर्स नहीं लगा रहे, ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोगों के पास यहाँ पे लग रही है। तो ये आप लोगों के पास क्या होती है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। उसके बाद आप लोगों के पास डेफिनेशन आ जाती है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है आप लोगों के पास? कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, कि एक यूनिट मास पे जो फोर्स लगती है, इस मास पे जो फोर्स लगेगी, ये आप लोगों के पास एक यूनिट मास है, यूनिट का मतलब है एक, इस मास पे जो आप लोगों के पास फोर्स लगेगी, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। कि इस मास पे जो अर्थ क्या लगाएगी? फोर्स लगाएगी, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, कि किसी भी मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। उसके बाद नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, जैसे जैसे आप लोग अर्थ के करीब रहते हैं तो याद रखें ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होती है? 10 न्यूटन पर किलोग्राम, 10 न्यूटन पर किलोग्राम। अब न्यूटन कहाँ से आया, किलोग्राम कहाँ से आया? आप लोगों को अभी मैंने बताया फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या था? न्यूटन। और आप लोगों के पास मास का यूनिट क्या था? केजी। और ये माइनस वन कहाँ से है? पर। तो क्या पता चला कि आप लोगों के पास जैसे जैसे अर्थ के करीब आते हो आप लोग, तो आप लोगों के पास क्या होती है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होती है? 10 न्यूटन पर केजी। शुक्रिया।